हिंदी में अगर आप देखेंगे तो चार गो तो सेक्शन पढ़ना है दोस्त, बस ये चार सेक्शन, चार पांच सेक्शन में आपका क्लियर है। पहला है आपका वर्ण विचार, लाइव में आवाज ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वर्ण विचार के बाद शब्द विचार, इसके बाद पढ़ना आपको वाक्य विचार। एक सिलेबस हम आपको पाठ्यक्रम दे रहे हैं कि 4-5 दिन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार के बाद आप देखेंगे कि हम लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों कवि एवं काल, कौन सा कवि किस काल का, इससे भी सवाल बिहार पुलिस में देखा जाता है, और लेखक एवं उपन्यास। बस ये 5 सेक्शन पढ़ लिए, हमारा एकदम क्लियर है। आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले, पूछे गए और पूछा जाएगा जो वैसे क्वेश्चनों के साथ, तो पहले एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। मेरे जो बहादुर पढ़ लिए हैं ये पहले ही, बस शांति से रिवाइज करना दोस्त, जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, नाम है दोस्त वर्ण विचार। कॉपी कलम ले लो और लिखना स्टार्ट करो, समय नहीं कि रिवाइज बाद में करिएगा, आप अभी साथ साथ पढ़िए। ध्यान दीजिए, अगर वर्ण की बात करें तो पहले मेरी बात सुनो, हिंदी में सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है ना वो होता है उच्चारण। आप कोई भी चीज़ कैसे बोल रहे हैं, देखो हिंदी एक भाषा है, सबसे पहली बात तो ये है। भाषा क्या है? हृदय की बातों के अभिव्यक्ति की माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं आप तक पहुँच रहा है मेरी बात, जो हम मेरे दिल में हो आप तक पहुँच रहा है, इसी को तो भाषा कहते हैं। अगर आप भाषा को, जैसे हम बोल रहे तो भाषा है, हिंदी बोल रहे हैं हम, अगर भाषा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, सबसे छोटा जो टुकड़ा आएगा ना उसको वर्ण कहते हैं। सबसे छोटा टुकड़ा जो आएगा, जैसे हम बोले कलम, तो कलम वर्ण नहीं है, कलम को और तोड़ सकते हैं। क वर्ण है, ओ वर्ण है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लेकिन वहीं हम कहें शब्द किसको कहते हैं, तो शब्द देखो वर्णों से मिलकर बनता है, वर्ण से मिलकर बन रहा है शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सार्थक है, मतलब जिसका अर्थ होता है, जैसे हम कलम बोले तो आपके मन में कलम का फोटो बन गया होगा, कमल बोले तो कमल के फूल की फोटो बन गई, गुलाब उसका नाम बोल दिए तो उसका चेहरा आ गया होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि वर्ण को मिला के सार्थक हो जाएगा तो शब्द बनेगा। और दूसरा चैप्टर हमारा सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण के सार्थक मेल को शब्द, और शब्द के सार्थक मेल को वाक्य, वाक्य पढ़ लिए और कुछ पढ़ना ही कहाँ। फिर ये दोनों में जो बोलेंगे ना एग्जाम में उतने आएगा, आप एकदम घबराइए नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो आप वर्ण का डेफिनेशन लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से कॉपी में कि सर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तेजी में लिखते चलो साथ में, सबसे छोटी दोस्तों इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। अगर यही सवाल कहे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, क्लियर है बात। अभी हम वर्ण की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण दोस्तों दो भाग में है, वर्ण के दो भाग हैं, वर्ण के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक को सुनो ध्यान से, हम सब फिर बोल रहे हैं हिंदी में सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वह है उच्चारण। देखो जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाए उसको कहते हैं स्वर वर्ण, और जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। जिसको नहीं समझ में आया मेरी बात सुनो, हम तो समझाए हैं नहीं, अभी तो खाली बोले। ध्यान दीजिए, देखो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। जिस छोटी इकाई को बोलने में, उच्चारण करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है उसको स्वर कहते हैं, और जिसको किसी की सहायता से बोलोगे उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोले अ, अ बोलने में किसका सहायता ली, किसी का नहीं, लेकिन अगर हम बोले क, तो आपको पता है कि क बोलने में आपने क और प्लस में अ दोनों बोल दिया, क इसमें अ छुपा हुआ है, तो इसके लिए हम इसकी सहायता लेते हैं।
कुल मिला के बात समझ लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जिस वर्ण को कहने के लिए, बोलने के लिए किसी और की सहायता नहीं ली जाएगी स्वर कहलाती है, और जिसको स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाएगा उसको व्यंजन कहते हैं। तो हमको लगता है मेरे शेर बहादुर इसका डेफिनेशन लिख लिए होंगे। तेजी में बोलो, जिसके उच्चारण में, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके उच्चारण में किसी की, किसी दूसरे वर्ण की सहायता, जल्दी बोलो, ली जाए कि नहीं ली जाए? नहीं ली जाए। और इसमें बोलो, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता ली जाए, किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की क्या, स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण किया जाए। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, वही लिख देते हैं, जिसका उच्चारण। आप भी मेरे साथ लिखते रहिए दोस्त, एग्जाम आप ही का है, मेहनत आपके लिए, अगर हम कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, बारिश हो रही है। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, क्या क्लियर है? अब हम लोग स्वर वर्ण पर आते हैं, स्वर वर्ण खत्म करते हैं, फिर व्यंजन वर्ण खत्म कर लेंगे, आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तेजी में आइए दोस्तों, आइए स्वर वर्ण। देखो स्वर वर्ण से जो सवाल, स्वर वर्ण पहले बताओ, इसके उच्चारण में किसी की सहायता लेंगे कि नहीं? नहीं लेंगे। बहुत अच्छा, अगर हम आपसे कहें स्वर वर्ण से क्या सवाल पूछ सकता है, तो पहला सवाल तो ये समझिए कि स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। देखो हिंदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उच्चारण है, स्वर वर्ण भी, जिसका सहायता में, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेंगे स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? तो कहिएगा सर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और जल्दी बोलो दीर्घ स्वर। बहुत अच्छा, देखो हिंदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उच्चारण है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने के लिए समय कम लगे, कम समय लगे उच्चारण में, कम समय, उच्चारण में कम समय लगे। दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसको ह्रस्व दीर्घ स्वर कहेंगे। ध्यान सुनो, आपसे सवाल क्या पूछेगा, डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं उस पर। सवाल आपसे कहेगा स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी। तीन सवाल तो यहीं से आपका बनेगा। सुन लीजिए पहले मेरी बात को दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि ह्रस्व स्वर क्या, पहले तो देखो ह्रस्व स्वर किसको कहोगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ, जब तुम ही बोलो अ बोलने में ज्यादा समय लगता है कि आ, एक लिए बोले आ, आओ, आ, ज्यादा समय लगेगा ह्रस्व स्वर। तुम बच्चा से पढ़ते आया इसको, हर्ष ई, हर्ष क्यों बोलता था, अरे बगलो लो, वो ह्रस्व था, ह्रस्व ई, तो बताओ ये क्या होगा, दीर्घ ई, नहीं पढ़ा था, ह्रस्व उ, बोलो दीर्घ उ, गजब कर दिए आप। अच्छा बोलो री, री बोलने में खूब सहायता, क्या री बोलता है, री। इसके बाद जो बच गया सब इधर उतार दो, ए आए, ओ, आओ, बस हो गया। बताओ, सोच के तुम ही बताओ, ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या है, एक दो तीन चार, बस हो गया, ह्रस्व स्वर चार होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हो गए, चार, बताओ ये क्या हो, एक दो तीन चार पांच छह और सात, दीर्घ स्वर सात होते हैं। बताओ स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो गई, ग्यारह, यही सवाल आपसे पूछेगा। स्वर वर्ण कितने हैं, ग्यारह, जिसमें ह्रस्व कितने हैं, चार, और दीर्घ कितने हैं दोस्तों, सात। क्या क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप एकदम नोट कर लें। ह्रस्व कौन कौन है, अ ई उ री, बाकी छोड़ दो तो सब क्या है, दीर्घ। किसी के मन में आ रहा होगा, सर अंग आर आ छूट गया, लोल कहीं का अंग आ आ जो छोड़े हैं ना, वो न ह्रस्व है न दीर्घ है, वो आयोग वाह है, वो आयोग वाह है। आयोग वाह क्या होता है सर, आयोग वाह अंग और अ को कहते हैं। आपसे पूछ लिया अगर कि आयोग वाह कितने होते हैं, तो कहिएगा दो होते हैं, अंग और अ। सर आयोग वाह क्या होता है, आयोग वाह उसको कहते हैं जो हमेशा स्वर वर्ण के साथ आए।
अगर हम बोले ओ तो ये क के साथ भी आ सकता है। अ क क्या है सर, ये तो व्यंजन है, किसी के साथ आ सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे बोले अनस्वर, अनस्वर हमेशा स्वर वर्ण के साथ आएगा, यानी ओआ के साथ ही आएगा, जैसे कंठ। अब बताओ कंठ है तो अनस्वर आया, ओआ के साथ आया कि नहीं? एकाको को लग रहा है सर ये तो क के साथ आया है, गधा। एक बढ़िया से लिखेगा ना तो क प्लस अ अंश्वर प्लस ठ आई अ ऐसे लिखा है, तो बताओ ये अंश्वर किसके साथ आया है? ये ओए पर आया है, नहीं समझे? इसको डिटेल कर दे, देखो और डिटेल कर देते हैं। ये क है, अ है, प्लस अंश्वर है, प्लस ठ है, हलंत के साथ फिर ओ है, ये हमेशा ओ के साथ ही आएगा, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का मतलब जो हमेशा स्वर के साथ आए, जो सिर्फ स्वर वर्ण के साथ आए। आपसे जो पूछेगा एग्जाम में किसकी संख्या कितनी है, दो, कौन कौन, अंग और अ, बोलो पहले स्वर वर्ण क्लियर है कि नहीं सबका? अरे इसमें सवाल भी करवाएंगे, जितना पढ़ा रहे हैं सब पे सवाल होगा। पहले बोलो स्वर वर्ण क्लियर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के, दो, जिस जो किसी की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन, जो बिना सहायता के बोले जाएंगे स्वर। स्वर कितने प्रकार के, दो, दीर्घ और ह्रस्व, जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा ह्रस्व, जिसके उच्चारण में ज्यादा स्वर समय लगेगा दीर्घ। मेरे साथ बोलो बोलो दीर्घ, ह्रस्व स्वर कितने, चार, दीर्घ स्वर कितने, सात, टोटल कितने, 11। अयोगवाह कितने, दो, अंग और अह। अयोगवाह किसके साथ आएगा, स्वर के साथ, हमेशा स्वर के साथ आए उसको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्लियर है, इस पे सवाल देंगे। पहले हम लोग आइए तेजी में व्यंजन वर्ण भी क्लियर कर लें। अरे अभी ना बताए थे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो स्वर वर्ण क्लियर हो गया, व्यंजन वर्ण आ जाइए। बताइए जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है उसको स्वर कहते हैं, लेकिन जो स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाए, जिसका उच्चारण, तेजी में लिखो, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे दोस्तों बोलो जल्दी क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। बोलो ये सब सवाल आएगा, नहीं छोड़ दोगे, व्यंजन वर्ण कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, बात समझिए। व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या है 33। ये सब सवाल खड़े याद रखोगे, टोटल कितना है, तो सर जी टोटल है 33। इंपॉर्टेंट समझो, व्यंजन वर्ण समझना सबसे आसान है और याद भी तुमको है, काहे कि बचपन से पढ़े हो। तेजी में देखिए, आज हिंदी का एकदम मूलभूत क्लास है, फिर इसके बाद 4 क्लास और लेंगे, आज आज ही एक क्लास और ले लेंगे तो आपका 3 क्लास और बचेगा। 3 दिन में हिंदी आपका एकदम क्लियर होगा, 10 में 9 नंबर यही क्लास से आएगा। अगर अच्छा लगे तो अगर दोस्तों को शेयर करना। कितने लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं जी, दो अयोगवा है, बहुत अच्छा। गुलशन कुमार तो गर्दा उड़ा दिया है, रोहन मनी, ओ सर आगात स्वर होते, कुछ लिखा है, बढ़िया से लिखो तो ना समझेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सर, व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण एकदम क्लियर है सबका। हम आपसे कहें व्यंजन वर्ण तो कहिएगा सर ये तो बच्चा से पढ़े हैं, एगो है कवर्ग, एगो है चवर्ग, पढ़ा है सब, सब समूह में, वर्ग का मतलब समूह होता है। व्यंजन वर्ण को हमने पच पच के समूह में बांट दिया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, वर्ग, और बोलो प वर्ग, पांच पांच के पांच समूह में हमने बांट दिए इसको। बोलो दिख रहा है जी, देखिए ध्यान से, कवर, अरे कवर की दोस्तों बात करें तो आप कहिएगा सर समझ गए, 1 मिनट दो, क ख ग घ अंगा, जल्दी बोलिए, च छ ज छ या ट ख ट ढ मूर्धन्य न बोलता है, ट ख ट ढ और न। कबारक बोलो, प ख प ह। ये आपका क्या है, व्यंजन, ध्यान दीजिएगा दोस्त,
इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी को लग रहा होगा कि सर अभी तो पच पच का पांच गो समूह किए तो पच पच से पच्चीसे गो हुआ, सर तैतीस गो लिखे हैं ऊपर। हाँ जी तैतीस लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं दोस्त क्योंकि आप आगे जानते हैं य क्या होता है, र बोलो, ल व फिर बोलो, स स स और ह, जानते हैं कि नहीं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सवाल आप अगर पूछिएगा ना अपने आप से तो समझ, थोड़ा छोटा करेंगे दोस्त क्या कि दिख, हमको बहुत बड़ा लग रहा है, अभी दिख रहा है कि नहीं देख लीजिए एक बार, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्त, आप इससे सवाल पूछेंगे कि सर को पहले काहे होता है, पहले पोए फो काहे नहीं हो गया, समझ रहे हो, पहले चोए छो काहे नहीं हो गया। अगर ये सवाल तुम जवाब समझ जाओगे तो समझो कि हिंदी एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज, फुल साइंटिफिक। ऐसा नहीं सोचना कि पहले को खो काय की मन, अंग्रेजी वाला को पूछोगे ना कि पहले ए बी सी डी काय है, एक्स वाई जेड काहे न है, तो ओकरा कोई उत्तर नहीं। लेकिन आपके पास इसका उत्तर है कि पहले को खो काहे है, देखो हम एगो एकदम डिजाइन बना देते हैं बिजोर, कैसा डिजाइन बन रहा है ये आदमी है, ऐसा आदमी। चलो एक सांकेतिक बना दिए, कानून है, ध्यान दो। अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आता है कंठ, बोलो आता है कि नहीं नीचे में, कंठ 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 के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा मूर्धा के बाद बोलो तालू, तालू जीभ के ऊपर वाला तालू, और तालू के बाद आता है दांत, दंत, और दंत के बाद आता है ओष्ठ यानी ओठ। देखो रे सबसे पहले क्या लिखे, कंठ, कंठ के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद तालू, तालू के बाद दंत, और दंत के बाद ओठ, बस हो गया। हिंदी एकदम साइंटिफिक है, बोला सबसे नीचे कंठ है तो ई कंठ से बुलाएगा, तुमसे सवाल पूछेगा कि कवर का उच्चारण स्थान का ना कंठ, ये उच्चारण स्थान है, हम इसको कहां लिख दें। ध्यान दीजिए दोस्त, आपसे सवाल कहेगा कि कंठ का उच्चारण स्थान बोलो बाबू, तो आप कहिएगा सर क सबसे पहले आता है कंठ, कवर उच्चारण स्थान है इसका, तुम क ख ग घ अंग कुछ बोलो सब कंठ से बोलाता है, कंठ के बाद मूर्धा से बोलते हैं च छ ज झ, ये सब मूर्धा वाला बात। किसी किसी को लग रहा होगा कि मूर्धा कहाँ है सर, कंठ और तालू के बीच में होता है, तुम च बोलो, जीभ जहां टच करेगा वही मूर्धा है। ध्यान दो, ट की बात करें तो कहिएगा तालू, इसका उच्चारण स्थान सर तालू है, तवर की बात करें तो कहिएगा दांत है सर दंत, इसका उच्चारण स्थान है, इंपॉर्टेंट है, जिसको दांत नहीं होगा वो ताला नहीं बोल पाएगा, बूढ़ा हो जाओगे बुढ़िया कहेगी स्वामी ताला लाइए तो पाला कहाँ है, कहा कि दांत तो है नहीं, तो बोलोगे पवर्ग, तो ये कहां से बोलाता है, ओठ से। बच्चा को देखा है जगरा दांत नहीं होता है वो ताता ताता पापा पापा बोल लेगा, लेकिन ई वाला नहीं बोल पाएगा, जिसका उच्चारण तो से वो नहीं बोल पाएगा, वो क्या बोलेगा, पाँव वाला उच्चारण, क्योंकि होठ तो है तो होठ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर तुम कहो कि सर इसका उच्चारण कहां से होता है, अरे ले लहा तो बच्चा से पढ़ते आया तालव्यासो, तो तालू तालू से नहीं पढ़ा है तालव्यसो, बोलो मूर्धन्यसो, तो ये मूर्धा से। सवाल तुमसे पूछ देगा कि य का उच्चारण तालव्य तालू, र का उच्चारण मूर्धा, तुम बताओ ये दंते सो है तो दांते से ना उच्चारण होगा, अरे दांते से ना होगा उच्चारण। अब तुम जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो कि व और ह का उच्चारण कहां से होगा, तुम हमको जल्दी बताओ, कमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा, लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार लाइक बटन भी नहीं दबा रहा है जी, पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक थोड़ा करिए और एकागो शेयर भी करिए, ऐसा थोड़े होता है कि कुछ तुम करेगा नहीं, थोड़ा एनर्जी मेरा बढ़ाओ, ऐसा कैसे होगा, जल्दी बोलो वो, तुम बोला तुम तो जब भी वो बोलो वो जा रही, तुम्हारा होठ अपने आप घूम जाएगा, यानी वो कहां से आता है, होठ से,
और ह कहां से आता है तुम बोल के देखो ना, ह कंठ से आएगा, यहां रखो अपने वो थरथराएगा वहां कंठ। बस इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा तुमको, अगर जो कंसेप्ट बताए हिंदी का साइंटिफिक लैंग्वेज अगर वो ठीक लगा है तो तुम सोच लो सीधा कंठ मूर्धा तालु दंत और होठ उतने से उच्चारण है। क्या बोलो, ये याद करना पड़ेगा, तुमसे कहेगा कि ध का उच्चारण स्थान कहाँ है तो पहले सोचना कि ध किस में आता, त थ द ध, ये किस में है, कंठ मूर्धा तालु दंत, दंत आंसर हो गया। अरे बोलो क्लियर, अभी सवाल इस पर चलेंगे। पहले किसी को कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट करिए कि हाँ सर हमको दिक्कत है, एक बार जल्दी देख लीजिए। अगर आपको कष्ट है दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करिए दोस्त, हम पढ़ रहे हैं आपका कमेंट खुद ही। जिसको अभी भी दिक्कत है उसका हम अभी भी दिक्कत दूर कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, वो कष्ट नहीं लेना है आपका, एकदम क्लियर है। अभी भी दिक्कत है तो आओ एगो ट्रिक ही दे देते हैं। एक और लड़का लिख रहा है, कहिएगा सर हमको कुछ नहीं आता है, हम बस जानते हैं कातो मुर्गा दांत से, कातो मुर्गा दांत से बाद में ओठ है, खत्म क्लियर। बस हो गया, ये ट्रिक बना दिए, कातो मुर्गा दांत से पहला का उच्चारण कंठ, दूसरा का इटो नहीं है तो है, अरे टो नहीं है तो, अरे बच्चा में नहीं तो तलाता है, नहीं देखा है सर मेरे तातू की थादी में दलूल थे दलूल आना, वह तो है इतो तलाया है इतालू है। बोलो मुंह से मुर्धा, जिसको साइंटिफिक बात याद नहीं होगा उसके लिए हम ट्रिक दे रहे हैं। गा से, अरे गा से कौन सी होता है मुर्धा के बाद, गा का गा से दंत, मुर्गा कट गया, आई लास्ट में ओठ, बस हो जाएगा सर ये कवर्ग, ई चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग हो गया। योरो लवो में कुछ है ये नहीं है, यो रो लो वो तालब सो दंत सो मूर्धन सो दंत सो हो, ई तालु से तालब सो, ई मूर्धा से मूर्धन सो, ई दंत से दंत सो, और ई इसमें अलग अलग हो जाएगा, वो होठ से ओठ और हो कंठ से, बस हो गया। बोलो क्या दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जिनको जिन दोस्तों को पीडीएफ चाहिए होता है, पीडीएफ टेलीग्राम पे आता है, आबो प्लेनेट का टेलीग्राम है, @abo_planet हम लिख देते हैं, बार बार कमेंट में पूछते हैं आबो प्लेनेट, और आपको यूट्यूब पे भी चला जाता है कमेंट में आबो, आबो प्लेनेट ऑफिशियल है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है दोस्त, देख लेंगे, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा किसी किसी को लग रहा होगा सर तालब से हो तक तो पढ़ाए सर, अक्षत रोगियों, भैया अक्षत रोगियों के लिए परेशान है, अरे तुम परेशान मत हो, पहले जितना पढ़ाए उसमें डाउट है तो एक बार हम कमेंट देखना चाहेंगे। कोई डाउट है किसी को, कभी कभी होता है, क्या डाउट होता है मयंक झा बोलो, डाउट है तो पहले बोलो, कोई डाउट लिख रहा है तो बोलिए, कोई डाउट नहीं लिख रहा, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम क्लियर है मतलब सबका, चलो ध्यान दो। अब एक अक्षत रोगियों का कष्ट दूर कर देते हैं, देखो उसको कहते हैं संयुक्ताक्षर, एक संयुक्ताक्षर का कंसेप्ट समझ लो, संयुक्ताक्षर। सर ये संयुक्ताक्षर क्या है, जो तुम्हारा छूट गया है ना अक्ष, जिसको अक्ष बोलता है, एकागो को गधा को मोबाइल में लिखना रहेगा छत्री है हिंदी में, और टाइप करेगा छात्रीय, और नहीं टाइप कर सकेगा तो छात्रीय कैसे लिख के शुरू हो जाएगा, उसको मिलवे नहीं करेगा छो कैसे होगा, आज तोरा मिल जाएगा कि छो कैसे लिखाता है, तोरो जी हाँ और क्या स्रो। देखो ये चार गो अयोगवा है, पहले बात तो सुनो, एग्जाम के हिसाब से अयोगवा कितनी है, अयोगवा की संख्या चार, ध्यान दीजिए। अक्ष जब भी तुमको लिखना होगा पहले क लिखना और उसके बाद मूर्धन स लिख देना, अक्ष लिखा जाएगा हिंदी टाइपिंग में, इन्हें एक होता है ऐसे शुरू हो जाएगा के एस एच, अरे गधा हिंदी ना लिख रहा है, हिंदी वाला कीबोर्ड आता होगा मोबाइल में, आता है ना हिंदी वाला कीबोर्ड, हिंदी वाला देखना उसमें अक्षर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो पहले आधा क लिखना, क लिख के हलंत लिखना और उसके बाद मूर्धन सो मार देना, अक्षर तैयार, अरे समझ रहा है अक्षर तैयार है, आई देखो आधा तो लिख के रो लिख देना आपका तरो तैयार। पहले तो इसको पढ़ता है सब ज्ञानी, इसको क्या पढ़ेगा बोलो तो, ज्ञानी पढ़ते हो, एक्चुअल में ज्ञानी नहीं है दोस्त, इसको ज्ञानी कहते हैं जो सब कुछ जानता है, ज्ञानी, ये जौ है
आ यो है, देखो यही तुमको फंसाएगा एग्जाम, और एग्जाम का तो यहाँ पे हम एक्सरा करके रख देंगे रे, फंसाएगा। तो तुमको क्लियर होना चाहिए कि आपको कहेगा निम्न में से कौन संयुक्ताक्षर है, तो चार को संयुक्ताक्षर है। इसमें आप देख लेंगे अक्षर कैसे लिखाएगा, त्रौ कैसे लिखाएगा, ज्यों कैसे, अश्रौ तालब विश्व, ध्यान रखना है स्वरों में तालब विश्व है और रौ, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और मेरे साथ अभी सारे एग्जाम का क्वेश्चन अभी आपको क्लियर करेंगे। छत्रिय देखो, एगो रोहन मणि कितना चट्टा है रे बकलोलवा, छे छत्रिय लिख दिया तुम, बताइए आपके सामने छत्रिय भैया ऐसे लिख रहे हैं, छत्रिय लीजिए हो गया छत्रिय, छतरी वाला बात लिख रहा है। आज के बाद एकदम आवो प्लेनेट का क्लियर कॉन्सेप्ट रखेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। बताइए ई, इसको नोट कर लिए आप, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या किसी को दिक्कत इसमें। अब हम आपसे कहेंगे कि सर इस पे जितना क्वेश्चन आया है एग्जाम में उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या रेडी है क्वेश्चन के लिए, एक बार यस बोल दीजिए अगर रेडी है तो। रेडी है दोस्तों तो एक बार यस लिख दीजिए, चलिए। हाँ जानी लिख रहे हैं सौरभ, ठीक है भाई आप एकदम सही लिख रहे हैं, यस लिख दीजिए क्वेश्चन के लिए रेडी है तो। आपके लिए एकदम 11 क्वेश्चन लेके आए हैं आज तक, जितना वर्ण वर्ण विचार से सवाल आया है। और अगला वीडियो में हम लोग शब्द विचार करेंगे, फिर वाक्य विचार करेंगे, एक एक वीडियो हम करेंगे चाहे जितना लंबा हो जाए। ये वीडियो तो छोटा होगा, इंट्रोडक्शन का है। चलिए दोस्तों हम लोग सारा सवाल पे आते हैं, आइए आइए दोस्त, और तेजी में आंसर बताओ, एकदम टाइम नहीं है। निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है, जल्दी बताओ, ह्रस्व बताए थे जिसके उच्चारण में, ह्रस्व बताए थे कहना सर ह्रस्व समझ गए, संख्या चार है, ओ है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व ऊ है और री है, इतने को ह्रस्व है, बाकी कोई ह्रस्व नहीं है, ये नहीं है ह्रस्व, नहीं है नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है दोस्तों। अगले सवाल की ओर आइए, देखिए निम्न में से कौन भिन्न है, जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो, कौन भिन्न है, कहना सर ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, तो भिन्न यही होगा। देखो ऐसा ही सवाल आपको आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, जो लड़का लेट कर दिया वीडियो पूरा देखेगा दोस्त, निम्न में से कौन अयोगवा है, जल्दी बोलो अयोगवा, इस अभी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, अभी बताए थे अयोगवा सर दो एगो है, अंग और अह। अयोगवा क्या होता है सर, जो स्वर वर्ण के साथ आए, जो केवल स्वर के साथ आता है उसको अयोगवा कहते हैं। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, आंसर डी। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, निम्न में से कौन शुद्ध की पहचान करें, शुद्ध अच्छा शुद्ध पहचानो, देखो ये शुद्धि वाला सवाल, ये शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि पढ़ाएंगे, अब वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन निश्चित आएगा। अभी तो शब्द शुद्धि देख लो, शब्द शुद्धि पे आदमी बहुत दिक्कत करता है, अरे तुमको हम क्या बोले, ज्यादा तुम हिंदी, अरे सुपरफिशियल लेवल पर चीज पढ़ना है, बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, क्या इतना टेंशन है। आप सिंपल ये सोचिए कि उच्चारण हिंदी में सर्वप्रथम है, तुम अनुकूल कैसे बोलता है, अनुकूल बोलता कैसे है। देखो ये ह्रस्व है, ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब कम समय, दीर्घ का मतलब ज्यादा समय, बोलो तो अनुकूल, अनुकूल ऐसे बोलते हो, अनुकूल ये अनुकूल, सोचो मेरा, तुम उच्चारण पर ध्यान दो, अनुकूल, यह सिचुएशन हमारे अनुकूल है, अनुकूल, तो अनु इज दीर्घ, अनुकूल दीर्घ वाला नहीं सर, दीर्घ वाला नहीं, अनु में छोट की, अकूल में बड़ की, समझ गए सर, अनुकूल। अरे इसमें ह्रस्व है कम समय, यह दीर्घ है ज्यादा समय, हमको लगता है सभी बच्चे बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कि नहीं, वाह वाह आरती आंसर तो आप दे रहे हैं। निम्न में से कौन शुद्ध है, आइए शुद्ध की पहचान करें, तुम सोचो कि अतिथि कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, उच्चारण सुनना, अतिथि नहीं सर, अतिथि, अतिथि एकदम ठीक है सर, अतिथि ही बोला जाता है, एकदम कम समय लेना है, ती में भी कम, थी में, अतिथि अतिथि। आइए अगला सवाल, निम्न में से कौन शुद्ध है, इसका जल्दी से आंसर बताओ, इसमें बड़ा लोग गलती हो जाता है, आंसर बताइए। कोई कह रहा होगा कि क्या आंसर है, जरा एक बार हम देख ही ले, कमेंट कर दो मेरे शेर बहादुर, बहुत बढ़िया, रुपेश यादव ए बता रहा है, अमित राज सर हम भी दिए, कुछ दिए जी, आंसर दिए, अच्छा अमित राज आंसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान खान सर जी बिहार पुलिस टेस्ट में 65 सही हो रहा है, 1 तारीख को परीक्षा है, डर, अरे डरना यही तो बात है, जिसको डर लग रहा है उसने पढ़ा है। देखो दो एगो को डरने लगता है, एक तो जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसका होबो नहीं करता है, और जिसका जिसको तनियों को डरने लग रहा है वो पढ़वे नहीं किया, हल्का डर लग रहा है ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, और डरने क्या बात है। हमारे बिहार सरकार ने तभी बिहार SSC का 11098 पोस्ट, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट, अरे SSC GD
सब तो अभी तुम्हारे सामने है। अभी नरेंद्र मोदी का इलेक्शन सामने है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। 4-5 महीना का खेल है, गर्दा उड़ा देंगे। इस बार नौकरी कैसे नहीं होगा, जल्दी बताओ उज्जवल का। तो कोई आंसर दिया क्या? उज्जवल सही है सर, उज्जवल। इसको कहेगा उज्जवल, नहीं सर उज्जवल नहीं होता, उज्जवल जवल होता है, नहीं सर उज्जवल, ये तो साफ़े गलत है। उज्जवल दोनों जो आधा होता है, ये बात आप ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हम ले लिए। इसका उच्चारण स्थान दांत नहीं है, तुम सोचो तो। दांत याद है, अरे कातो मुर्गा दांत से, जल्दी बोलो। तो थो दो, इसमें तो तोये में आ रहा है सर, ये तो में आ रहा है, तो इस दंत से ना उच्चारण है। इसका उच्चारण स्थान क्या पूछा है? दांत नहीं है। तो अगर आपको अभी तुरंत ध्यान है, जो हम तुरंत पढ़ाए हैं अभी, हम आप या यहीं लिख दे दोस्त। अभी हम देखो तुमको एग्जाम्पल दिए थे, कातो मुर्गा दांत से, दांत से किसमें आता है? तो जिसमें भी तो आ रहा है, तो वर्ग सब दांत से है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दंत सौ वाला भी दांत से आता है, क्या तुमको याद है? यहीं पे देख लो थोड़ा सा, ये भी देख लो, आपको एकदम क्लियर कर दे। दंत सौ और लौ भी क्या आता है? दांत से आता है, याद है ना कि नहीं? तो बनना चाहिए आपसे, जल्दी बताइए आप। तो सर त में जो आता है वो दांत से होता है, जैसे त थ द ध न, ये दांत से है सर। और क्या है सर? ल और स, दंत स में है ना ये, यर ल व, याद है ऐसे लिखता था, यर ल व। तो य किस में आ जाएगा, र किस में आ जाएगा, ल किस में आ जाएगा? ये दंते स है तो सर दोए ना आएगा, तो दांत में, दांत से इतने का उच्चारण है। सवाल देखो, द द तो इसमें है सर, दांत से उच्चारण है, स दंते स तो इसको बोलवे करते हैं सर, ल के सीध में आता है सर। हाँ इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों का उच्चारण दांत से है। अगला सवाल देखिए, मूर्धन्य ष का उच्चारण स्थान कहाँ? अरे ये बिहार पुलिस का सवाल है, बोलो। इसमें साफे बोल रहा है मूर्धन्य सो, तो मूर्धा से ना होगा। एकरा में लड़का गलती करता है तो मन करता है सोटी याद है, एकरा में गलती करेगा कोई। अगला देखो, म का उच्चारण स्थान म, बोलो म किससे बोलता है? प फ ब भ म, याद है? प फ ब भ म। ई सर समझ गया सर, प सर होठ से सर, होठ से, कातो मुर्गा दांत से, याद है? लास्ट में होठ होता है, लास्ट में होठ होता है। तुम देखो ना बच्चा को, ताता ताता बोलेगा लेकिन माँ बोल लेगा पहले, माँ कहेगी वाह हम खुश हो गए बेटा मेरा नाम पहले। अरे वो साइंटिफिक है, उसका दांत नहीं है तो पहले तोरे नाम लेगा, ध्यान दो। तो जल्दी बताइए माँ का उच्चारण कहाँ से है? ओष्ठ से, एकदम क्लियर है सब दोस्तों। ह्रस्व स्वर की संख्या जल्दी बोलो, ह्रस्व स्वर कितने? 4। दीर्घ स्वर कितने? दीर्घ कितने? 7। और स्वर वर्ण कितने? 11। और अगर हम आपसे पूछे व्यंजन कितने, तो कहिएगा 33। 33 गिना था? अरे 33 गिना था कि नहीं तुम लोग? तेरे 33 गिन लो, 5-5 का ये 5 गो, 5 5 25, 2 27, 2 29, 2 31 और 2 33, हो गया ना 33? तो 33 ही है दोस्तों, जल्दी आइए जल्दी आइए, एकदम लास्ट सवाल पर आ जाएं, एकदम क्लियर है सर। 11 नंबर सवाल, ओह हो गया खत्म।